हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो चलो, गुड मॉर्निंग। तो देखो, मेरा ग्रोसरी का आइटम आ गई है। थोड़ा बहुत कुछ कुछ नहीं था घर में, वो सब लेके आए हैं। तो ये ब्रेड है, ब्रेड वो फूड्स केक, ये फूड्स केक है। ए मसूरी का दाल है बोलते हैं, ए अमूल स्प्रे का पैकेट है, ए बिस्किट्स है दो ठो अलग अलग सा, ए जीरा पाउडर है, ए सैलोनी का मस्टर्ड ऑयल है, ये देखिए, एक गणपति, ये देखिए गणपति का चमचूर है हम लोग बोलते हैं, यही है। अभी ख़त्म हो गई थी, थोड़ा बहुत लेके आई। तो क्या पकाऊँ आज, कुकिंग क्या करूँ? चाय नहीं पी मैंने, देखिए आज ब्लैक वाली चाय पीना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो लेके आई है, दूध का पैकेट लेके आई है। तो चलिए देखिए क्या। तो चलिए, मसूर का दाल बिठा दिया मैंने, दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए इसमें चाय बन रही है। तो चलो सब्जी काटो, सब्जी झींगा पोस्त करबो, आइसक्रीम इसलिए देखते पेलम ना, পালিয়ে গেছে মনে হয়। ঝিঙা পোস্ত করবো আজকে, আর মুসুর ডাল পাতলা করে, আর ডিম ফিম যাই হোক একটু ভেজে দেবো, মুখে একদম কিছু ভালো লাগছে না। झींगा का सब्जी पस्त होगा, पोस्त को क्या पपी सीट बोलता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, तो वो पस्त ही बोलूँगी। पोस्त होगा, पपी सीट का सब्जी बनेगा। इसको देके ये झींगे को देके, झींगे को देके पोस्त होगा, पपी सीट का सब्जी होगा। कोई कोई हिंदी में ब्लॉग करने के लिए बोल रहा है, तुम हिंदी में सब कुछ नहीं जानती मैं, क्या किसको बोलते हैं, तो इसलिए मैं बना नहीं सकती, बना नहीं रही हूँ। तो कुछ कुछ देखूँगा कैसे बनाना पड़ता है। हिंदी तो मुझको थोड़ा बहुत टूटा फूटा आ जाता है, तो किसको क्या क्या बोलते हैं, झींगे को क्या बोलते हैं, पर्पल पोटल को बोलते हैं, पोटल बोलते हैं बंगाल में, पर्पल का सब्जी ना क्या बोलते हैं नहीं जानती, ठीक से नहीं जानती, जानती हूँ थोड़ा बहुत तो भूल टूटी हो जाता है, इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं ब्लॉग हिंदी में। तो थोड़ा बहुत टूटी फूटी में ही बनाऊँगी मैं, देखूँगी, कोशिश तो करना पड़ेगा ना आप लोगों के लिए, आप लोग कितना प्यार करते हो मुझको, तो देखो थोड़ा बहुत करके, तकलीफ़ आ जाएगा तो आप लोग तो हो दोस्त लोग, आप समझ लेना टूटा फूटा हिंदी। तो चलो, ए पोटैटो आलू बोलते हैं, आलू को मैं ले लिया, तो चलो पॉपी सीड का बहुत ही ज़्यादा ये है, 2000 का वो उसका किलो हो गई है। आइसक्रीम आ गई है, चलिए देखते
स्कूल में खाना तब खाती थी हम लोग। जीरा, लाल मिर्च और गोटा जीरा और लाल मिर्च और प्याज दे दिया मैंने, तो अभी तो दाल को मैं छौंक लगा दूंगी। ये दाल को छौंक लगा दूंगी मैंने। छौंक लगा दिया, इसमें उबाल आ जाए तो मैं इसको उतर लूंगी। चलो इसमें उबाल आ गई, मैं उतर लूंगी। दाल हो गई है मेरा, दाल को मैं कड़ा से गावले में उतर लूंगी। देखो दाल मेरा हो गई। जो टमाटो गोटा था उसको मैंने खुंती से ऐसे ऐसे करके तोड़ दिया। पोस्त तो निकल लिया मैंने, ये पोस्त तो निकल लिया मैंने। सिलबट्टे में बटना पड़ेगा मुझको। इधर मैंने ऑयल डाल दिया कड़े में, ऑयल डाल दिया। इसमें मैंने प्याज दूंगी। देखो प्याज दे दिया मैंने। इसमें मैंने सॉल्ट भी दे दिया, थोड़ा हल्दी पाउडर दे दिया, थोड़ा ऑयल थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दिया। इधर मेरा दाल भी कुक हो गई है, देखिए। इधर मैंने थोड़ा बहुत इसको सीजने के लिए देंगी। थोड़ा बहुत पक जाए इसको मैं ढक दूंगी, तो पक जाए। ये झींगा डाल दूंगी बाद में, तो अभी तो मैं इसको ढक दिया पकने के लिए, पक जाए। इसमें मैं पोस्तों को सिलबट्टे में बाट के लेके आती हूँ। चलिए सिलबट्टे बाहर निकलना पड़ेगा, तो चलो। देखो मेरा पोस्तों हो गया बाटा, इसमें आलू सीज भी गया है। देखो ब्राउन ब्राउन हो गई है। इसमें मैंने झींगा भी डाल दिया। ये थोड़ा बहुत पक जाए तब जाके पोस्तों में उसमें डाल दूंगी मैं। तो घर में क्या हो रहा है देखूँ जाके, देखिए क्या कर रहा है। घर में काम भी बाकी है, तो चलो। तो देखो जो देखो अवस्था देखो, हमें झाँटाई कर मारते पीपी के खेलाते मिमी के खावाते हमें झाँटा नहीं मारते गे चिंता करूँ। और उसका मिमी है पीपी है, पीपी का पीपी मैंने मेटे बेटी को बोलते हैं पीपी, पीसी बोलते हैं बंगाली में, उसको पीपी बोलते हैं। देखिए देखिए जो, तो चलिए मैं बिस्तर को थोड़ा बहुत ठीक कर लूँ। मेरा बेटी तो कोई काम के नहीं है ना, इसलिए मुझको ही सब कुछ करना पड़ता है। ए मेरा दीदी भाई है, जानते हो जो भासुर का लड़की है, दीदी भाई होता है वो। मैं क्या बोलते हैं दादी बन गई, मैं तो दादी बन गई, मैं तो दादी बन गई कब के। ये करके आप लोग भी करना। ये मैंने होटल में सिखा था,
वो होटल में बिस्तर का चादर ठीक करता है ना, चाबी के रिंग के साथ ठीक करता है, मैंने देखा। वो चाबी होता है ना, ताला चाबी होता है, उसके साथ उसको उसको ऐसे ऐसे करता है, मैंने देखा। तो इसमें चिरुनी यूज करती हूँ मैं, देख लिया, हो जाता है बहुत अच्छे से, इसलिए। इधर भी ऐसा कर लेना, इधर ऐसा कर देना, तो हो गई ठीक से। चलो मुझको नहाना है, आप लोगों के रिक्वेस्ट में मैंने एक नहाने का वीडियो डाल दिया अभी, तो आप लोग पूरा वीडियो में नहीं देखते, मुझको नहाना का वीडियो देखते हैं, इसलिए मैंने नहाना का वीडियो देना बंद कर दिया। ठीक है, आप नहाना का वीडियो में ही व्यूज देते हो, अदर्स वीडियो में नहीं देते, इसलिए मैंने क्या किया, नहाना का वीडियो कम कर दिया। तो देखिए गरीब ना मैं, देखिए गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी मैं, बहुत गरीब सच में। तो चलो उधर जाओ, गरीब नहीं भिखारी कहते उसको, भिखारी कहते हैं, मेरा बेटी तो अभी बोल रहा है भिखारी बोलो मम्मी। देखिए मेरा सब कुछ ठीक से कर दिया, बिस्तर को लगा दिया ठीक से मैंने, देखिए इधर से उधर। तो चलिए, तो चलिए हो गई मेरा झींगे का पॉपी सीट पोस्तु, बोलते हैं ना पॉपी सीट में, पोस्तु को क्या बोलते हैं नहीं जानती, इसलिए पोस्तु ही बोल रही हूँ। इसमें जो ऐसे ही टमाटर डाल दिया था उसको मैं निकाल के तोड़ तोड़ के मिक्स करके डाल दिया। तो चलिए दाल मेरा हो गई है, मसूर की दाल। इधर मैं पॉपी सीट डाल देती हूँ, ऐसे करके बना के खाना देखना, बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ बस, तो वो पॉपी सीड को खसखस ना क्या बोलते हैं, ज़्यादा ठीक से नहीं जानती इसलिए बोल नहीं पाती, बोलना नहीं चाहती, भूल हो जाएगा तो आप लोग हंसोगे। तो चलो इधर भूते रहे, मैं घर को क्लीन कर लूँ। तो चलिए घर को सब सफाई कर लूँ मैं, इधर से बाल आता है उधर से बाल आता है, सब बाल के बाल हो गई खल खाले, देखिए सब बाल बाल बाल, क्या बाल है यार, बाल का घर हो गई है। देखिए इतना बड़ा बड़ा बाल, सब बाल हो जा रहा। लोग बोलोगे आप हिंदी में नहीं ब्लॉग बनाना, हम बेंगलोर में बनाना यार, आपका जो हिंदी है ओ बच्चे लोग सुनेगा तो बहुत विद्वान हो जाएगा। हंसना है कभी रोना है, देखिए टूटा हुआ घर, देखिए कितना टूट गई घर, इतना सब की तरह चली गई है। मैं फैन चला दूँ, बेटी का, बेटी को गर्मी लग रहा है बहुत। मैं इतना हिंदी से ब्लॉग बनाऊंगी, इतना हिंदी में ब्लॉग बनाऊंगी, हिंदी भी डर के बोलेगी मत बनाओ मुझको, मुझको शर्म आती है यार। तो चलो, तो चलिए मजाक बहुत हो गई है, मजाक करना छोड़ो, ज़्यादा मजाक अच्छी नहीं है यार, प्यार बिना जान का हरे, ज़्यादा मजाक अच्छी नहीं है। तो चलिए मजाक करना बंद करिए, बहुत मजाक हो गई है यार भूल भालिंद से। तो चलो, तो चलिए हो गई है मेरा खसखस का सब्जी, देखिए झींगा आलू खसखस का सब्जी बन गई है, देखिए। तो इसको मैंने उतार लिया, रख दिया,
देखो सब कुछ हो गया ही। गैस को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया, पोंछ लिया। पहले सर्फ के कपड़े से मैं बहुत अच्छे से उसको पोंछती हूँ, भीगने जो बोता है उससे पोछा से पूछ लेती हूँ। देखिए झकझक कर रहा है और सब काम हो गई है। इसका क्लॉथ देखिए, तो चलिए इसमें क्लॉथ फट गई है। देखिए हाथ रही हूँ मैं, को मैं पोछा लगा लूँ। पानी ले लिया मैंने, घर को पोछा लगाऊंगी। सब कम हो गई है, मैं नहाने जाऊंगी घर को पोछा लगा के। तो चलिए हमार मेयर सब पे सर्टिफिकेट सब सिल और दो तीन टा एखो दे बोल कटा पा तु यार। देखो हमार बियर पर छवि আর বিয়ের কত পরের ছবি, আমি কেমন ছিলাম আজকে হলে আমি আমার বরকে বিয়েই করতাম না, ছাতাই লোকটাকে বিয়েই করতাম না। আমি দেখছি কত সুন্দর ছিলাম। তাই যৌবন সব দিনের নয়, যৌবনের অহংকার না করাই ভালো, সৌন্দর্যের অহংকার। এইটা দেখালাম শুধু, দেখুন এইটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এটা দেখুন, এইটা দেখুন। আচ্ছা ওটা ছাড়ুন, এটা দেখুন কী রূপ আমার, দেখুন দেখেছেন। এটা আমার বড়ো মেয়ে, দেখুন রূপ দেখেছেন। এটা আমি, দেখুন এ দেখুন বড়ো মেয়ে আর ছোটো মেয়ে পাশাপাশি, দেড় বছরের ছোটো বড়ো। ওরা ছোটো মেয়ে পড়ছে, বেটা ছেলে মার্কা। এটা রানীকে দেখুন, আমার রানী, এটা আমার রানী, আর এটা আমার রাজা। রানী ঠিক কথাই কিন্তু আমার রাজা। আর এটা দেখুন আমি, দেখেছেন কী রূপ। এই লোকটার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে আমি ভাবতেই পারি না, বুঝেছেন। এই দেখুন আমার ছেলে নাই, পৃথিবীতে মারা গেছে, বুঝেছেন তো। এটা আমার বাবা, এটা আমার বাবা যে আমাকে জন্ম দিয়েছে। এটা আমার, এটা আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি, বুঝেছেন, বুঝেছেন। হ্যান্ডসাম শ্বশুর। তো এই হচ্ছে আমার ফ্যামিলি, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এটা আমার নারুগোপাল, এই যে আমার নারুগোপাল, দেখুন আমার নারী গোপালটাকে দেখুন একবার, আমি কৃষ্ণ ঠাকুরটাকে দেখুন একবার। বাবা লোকনাথ, এটা আমার লক্ষ্মীনারায়ণ, আমরা এটা লক্ষ্মীর ঘর, এটা আমার মহাদেব, এই হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। এটা এই দেখুন, এটা আমার একটা বন্ধু বানিয়ে দিয়েছে, বন্ধু নয় ভাসুরপু আর কি, বন্ধুর মতনই খুব ভালো আমার সাথে সম্পর্ক ছিল। আমার আলমারিটার অবস্থা দেখাচ্ছি, দেখুন এই আলমারিটায় আপনারা খেতে চাইবেন নি। দেখুন পড়ে গেল খুলতে, দেখলেন ব্যাপারটা, তাহলে কী ব্যাপার দেখেছেন। দেখুন এখানে এটা পড়ে যায়, দেখুন অবশ্য কী পড়ি, মানে দেখেছেন আলমারি গুছানো। এই দেখুন এইভাবে এইভাবে গুজে দেবো পড়ে নিয়ে ভিডিও বানিয়ে। চলুন বাই, টাটা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বাইরে মেঘলা মেঘলা করছে বলে ঘরটা ঠান্ডাই, দেখুন। তো দেখো মেরা আলু ঝিঙা হো গেয়া, মানে উসকো ছিল লিয়া। তো চলো চায় পি লু, থোড়া বহুত চায় নেই খায়, মানে আভি তক পি। তো পোস্তো তো বহুত মহঙ্গা হ্যায়, হাম লোগো কে লিয়ে পোস্তো নেই হ্যায়, তব ভি খাতি হু ক্যা করু, খানা তো পড়তাই হ্যায়। चिकन वगैरह हर वक्त अच्छा नहीं लगता। तो चलो एक फूड स्टिक ले ले, तो हो गई दाल। दाल पक गई है, दाल बहुत
अच्छी तरह से पक गई है, मैं खा लूँ चाय पी लूँ, बाद में मैं छौंक लगा दूंगी दाल में। आप लोग कैसे हो? गर्मी बहुत बहुत गर्मी है, बारिश का नाम ही नहीं लेती। एक दिन हुई थी, चार पांच दिन पहले, मैं बहुत भीगी थी, बहुत भीगी थी, डांस भी किया अपने लोगों ने देखा है। मैं हिंदी में ही ब्लॉग करूँगा अभी से, क्योंकि बहुत सारा नॉन बंगाली मुझको देखता है, बहुत बोलता है भाभी जी हिंदी में बोलो, हिंदी में ब्लॉग करो, तो मेरा टूटा फूटा हिंदी आप लोग समझ लेना, जो खराब लगे जो अच्छा नहीं लगे तो मुझको मैनेज कर लेना आप लोग, आप लोग की तो मेरा दोस्त हो, अच्छा मेरा परिवार हो, तो मैं हिंदी में ही करूँगा, जो जितना मुझको आए बोलना इतना ही बोलूँगी मैं, नहीं आए तो मुझको मैं क्षमा मांग लूँगी और क्षमा कर देना आप लोग। तो चलो, जो जितना आता है सीखना तो पड़ता है ना, हम लोग तो विद्या नहीं है, सरस्वती नहीं है, सब कुछ जान के पैदा हुई हूँ, तो थोड़ा बहुत आती है उसमें ही मैं ब्लॉक करूँगी, जितना मुझको आती है। जो सब्जी को क्या क्या बोलता है ये मुझको नहीं, बंधा गोभी, फूल गोभी, तो पर्पल, ये सब आता है, थोड़ा बहुत आता है, किसको क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। पॉपी सीड को, पोस्तों को क्या बोलते हैं आप लोग, पोस्तों में क्या नाम है आपका अलग सा मैं नहीं जानती, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगा। बातें करना मुझको आती है हिंदी में, बात करो तो मैं बात कर लूँगा, तो सही कुकिंग वगैरह के बारे में मुझको कुछ नहीं आता हिंदी बोलना, क्या बोलते हैं कि मछली को क्या बोलते हैं, क्या मछली को अब क्या मछली बोलते हैं, यही मुझको आती नहीं, जानती नहीं, मैं आती नहीं ना, जानती नहीं, इसलिए मुझको बोलना आती नहीं। आप लोग क्या मछली को, रुई मछली को, मैं हम लोग बंगाली में रुई माछ बोलते हैं, रुई मछली बोलूंगी, मछली जानती हूँ, रुई माछ को अब क्या बोलते हैं मैं तो नहीं जानती। रुई फिश बोलना इंग्लिश में आता है, तो हिंदी में क्या बोलता है नहीं जानती मैं। थोड़ा पहले पहले तकलीफ होगा, तो क्या सीख लूंगी ना आपके से, आप लोग सिखा देना, कमेंट में बोलना ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्या सब्जी को क्या बोलते हैं आप लोग सिखा देना ठीक है, कमेंट में बोल देना, यही बोलते हैं भाभी जी, दीदी, आंटी जी, ये बोलते। चाय मुझको बहुत अच्छा लगता है, चाय पीना, जानते हो मैं बहुत सादा सीधा हूँ, बहुत सादा सीधा, लोग मुझको सोचते हैं मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं बहुत मुख चट्टी हूँ, मुँहफट हूँ, नहीं मैं मुँहफट नहीं हूँ, घमंडी नहीं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं बात बहुत बहुत करना अच्छा लगता है मुझको, क्योंकि मैं सच्ची बात मुँह के ऊपर बोल देती हूँ, यही मेरा क्या बोलूँ, आप लोग जो खराब समझते हैं, जो लोग बोलते हो मुँह में बोलना अच्छा नहीं, मुँह पे बोल देती हूँ, यही मुझे गंदा आदत है, ये चेहरा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं गलत आदमी, मैं मुँह में बोल देती हूँ, यही मुझको झगड़ना अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ बातें ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता, मुझको गपशप बहुत अच्छा लगता है, ये बोलो बोलो, राजनीति के बाद बोलो, कोई भगवान के नाम बोलो, बहुत अच्छा लगता है, तो गसिप करना मुझको अच्छा नहीं लगता, वो ये कपड़ा उसका बहुत अच्छा कपड़ा है, जानते उसका हस्बैंड ना भग गई है, उसका बीबी ना भग गई है, ऐसा गपशप मुझको अच्छा, गसिप करना मुझको बहुत ही गंदा लगता है, मैं गसिप करना बुरी बात समझती हूँ,
इसलिए किसी के साथ बात नहीं करती मैं। बाहर जाओ तो क्या बोलूँ, रास्ते में यही होता है, लड़की लोगों का बहू लोगों का यही होता है। मैं तो एक सच बात बोलूँ, मेरा ना लड़का बहुत है, लड़का दोस्त बहुत है, लड़की दोस्त मैंने मनाया नहीं है। मेरा दो ना तीन लड़की दोस्त है, मैंने नहीं बनाया। वो जो लड़का लोग है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो किसी के साथ ये बातें शेयर नहीं करती। आप लोग कुछ बोलो ना, लड़की लोग होता है वो जो ओमन लोग होता है, वो लोग बहुत जल्दी से बोल देते, नहीं तो इसका पेट फूल जाता है, ठीक है। वो लड़का लोग होता है ना, वो लोग कुछ नहीं बोलते, सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो जो लड़की लोगों के में आदत है ना, वो लड़के में नहीं है। कुछ सुनो तो जाके बोल दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बात नहीं करती। अकेली रहना मुझको अच्छा लगता है। जो समझ नहीं पाते ना, बोलते हैं बहुत घमंडी है, बहुत ये है वो है, अच्छी वाले अच्छी।